दोस्तों आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज डे वन का रिपोर्ट। आई होप आपको मेरा पसंद आया होगा गेटी गैलेक्सी से और जो भी हब मॉल से, जो भी मैंने मेहनत की मूवी टाइम थिएटर से या फिर गेटी गैलेक्सी सब जगह से आपको रिपोर्ट देने की कोशिश की। आई होप आपको पसंद आया होगा। फर्स्ट डे का जो अर्ली एस्टिमेट्स आ रहा है वो बहुत ही चौंकाने वाला है, वो बहुत ही अच्छा है। मैं प्रेडिक्शन 18 से 20 करोड़ तक का कर रहा था और मुझे खुशी है कि उससे ज्यादा है, क्योंकि जब जो मल्टीप्लेक्सेस के जो शोज ओपन हुए देर रात, उससे बहुत ज्यादा स्क्रीन काउंट बढ़ गई और स्क्रीन काउंट जो महज 2000 से कम नजर आ रही थी वो एकाएक जाकर पहुंच गई 4200, क्योंकि स्क्रीन काउंट का जो मैटर है वो रिजॉल्व हो चुका था मल्टीप्लेक्सेस का। तो 4200 स्क्रीन्स इंडिया, 1300 स्क्रीन्स ओवरसीज, कुल मिलाकर कितना होगा 1500 स्क्रीन, आई मीन 5500 स्क्रीन्स, जो एक बहुत बड़ी बात है। 5500 स्क्रीन्स बहुत बड़ी बात है। तो यहां पे जो रिस्पांस अच्छा देखने को मिला है, अफकोर्स मुंबई में अच्छा रिस्पांस देखने को मिला, लेकिन 50% कैपेसिटी से कलेक्शंस कम हुआ है, आप बात मानोगे, और लेट जो थिएटर्स खुले उसकी वजह से भी पूरे न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे इंडिया में भी काफी हद तक कलेक्शंस कम हुआ है, वो आप मानोगे राइट। अदरवाइज ये कलेक्शंस 30 करोड़ के ऊपर था। और यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सभी जगह ये फिल्म ने अच्छा परफॉर्म किया है और जो अर्ली एस्टिमेट्स आ रहे हैं वो कम से कम 25 से 26 करोड़ तक की दस्तक दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 25 से 26 करोड़ जो अपने आप में एक बड़ी बात है, नहीं तो ये 30 करोड़ के पार होता ये पक्की बात थी, जो बहुत अच्छी बात है। और ये कहा जा रहा, जो सबसे अच्छी बात ये कही जा रही है, जो प्री कोविड टाइम था और जो पोस्ट कोविड टाइम में जो कलेक्शंस है, ऐसा लगता है इंडस्ट्री 75 से 80% रिकवर हो चुकी है, यानी कि जो कलेक्शंस आ रहे हैं उसमें ज्यादा दिक्कत अब नहीं आ रही, और जो शायद वो रिकवरी बाकी तरह से नहीं हुई है, जो हम सिर्फ 75-80% बोल रहे हैं, वो रीजन शायद ये है कि महाराष्ट्र में 100% शोज अलाउड नहीं आया, एक दो सर्किट और है इंडिया में कुछ स्टेट्स है जहां पर 100% अलाउड नहीं, अदरवाइज इस फिल्म ने अच्छा परफॉर्म किया है। एंड मैं प्रेडिक्शन गलत हुआ और मैं चाहता था मैं प्रेडिक्शन गलत हो। सो यस, 25-26 करोड़ इज द अर्ली एस्टिमेट्स ऑफ डे वन। जो फाइनल कलेक्शन आएगा वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन एक चीज ये है कि इस दिवाली ने बॉक्स ऑफिस को ट्रैक पर लाकर रख दिया है, सिनेमा थिएटर्स की दिवाली हो चुकी है, कल मैंने आपको बताया पल पल की जानकारी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब कर जाइएगा नहीं, क्योंकि आज भी आपको इसी तरह की धमाकेदार अपडेट मिलती रहेगी।